हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि। अगर आप लोगों को आवाज़ थोड़ा कम आता है सो प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टेंस रख के रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। एंड आई डोंट यूज़ सेपरेट माइक क्योंकि वो सेटअप मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था इसीलिए। एंड नथिंग इज़ डिफिकल्ट, मैंने दैट्स लिटिल बिट नॉट पॉसिबल फॉर मी नाउ। एंड उसके अलावा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई पर्सनल रीडिंग्स। आई डू पर्सनल रीडिंग्स वन टू वन। चार्जेस अगले महीने से थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगी। अभी तक वो 250 पर टॉपिक पर रीडिंग है। फ्रॉम सेप्टेम्बर इट वुड बी 300 पर टॉपिक पर रीडिंग। ठीक है, मतलब लव के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए 300 हो जाएगा। फिर अगर करियर के लिए पूछेंगे तो 300 हो जाएगा। लाइक दैट इट वुड बी इंक्रीजिंग। सो द प्राइसेस वुड बी अ लिटिल इंक्रीजिंग फ्रॉम सेप्टेम्बर। अगस्त तक वो 250 पर रीडिंग ही रहेगा। ओके, सो आई वुड बी जस्ट डूइंग अ रीडिंग अबाउट आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, एंड आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, एट प्रेजेंट उनका क्या ख्याल है या फिर आगे चल के क्या होगा। ओके, सो आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ कार्ड्स, आई विल जस्ट टेक वन ऑर टू कार्ड्स। ओके, जजमेंट का कार्ड निकल कर के आया है। जजमेंट, यू विल गेट जजमेंट। ठीक है, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ था कि सेपरेशन आ गया, आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप दोनों में सेपरेशन आ गया, देन यू आर गेटिंग जजमेंट बिकॉज आपने पेशेंटली वेट किया हुआ है। लेकिन एक इंसान के पीछे इतना टाइम नहीं लगा दीजिए कि आपका टाइम ही वेस्ट हो जाए। जब तक वो आ रहा, बिकॉज दिस इज़ ना डिवाइन प्लान, जब तक वो आ रहा होगा या जब तक वो सिचुएशन चल रही होगी ना, तब तक आपका क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को और स्किलफुल बना सकते हैं कि जब तक वो आ जाएगा कि आप भी थोड़ा सा प्रिपरेशन ले लो, क्योंकि वो तो अपने ज़िंदगी में मस्त मलंग है या फिर वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हो, किसी भी तरीके से जी रहे हो। सेपरेशन आपने नहीं क्रिएट की, अगर उन्होंने क्रिएट की तो फिर वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे, तो आप भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए इस इंटेंशन के साथ में कि जितना मैं स्किलफुल हो जाऊंगी वो भी मेरे सामने, वो भी मेरे साथ मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, अगर वो आपके लिए सही होंगे तो। अगर नहीं सही होंगे तो शायद उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन भी लोगों में होता है। बट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर होना होगा हो ही जाएगा। ठीक है, जनरली मैंने पहले भी बोला है, हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करके ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम अलाइंड होते हैं यूनिवर्स के साथ में तो हम वही चीज़ें चाहते हैं जो हमारे कर्मा के हिसाब से हमें मिलने वाला है। अगर हम अलाइनमेंट से दूर हो जाते हैं तो हम वही सारे चीज़ें चाहते हैं जो हमें नहीं मिलनी होती है। अलाइनमेंट में है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगी, आपको डबल या ट्रिपल नंबर्स दिखेंगे, 111, 222 ऐसे नंबर्स दिखेंगे। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना अलाइनमेंट में होती रहेगी। मतलब जब आपने खाना खत्म किया तभी आपकी फ़ोन कॉल आई, जब आप निकल रहे हो तभी उसी टाइम आपकी पार्सल आ गई, तो आपको मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जब आप कहीं पे जाने वाले हो उसी टाइम पे, मतलब शायद आप काम पे जाने वाले हो, आप 5 मिनट्स डिले करके गए तो वो 5 मिनट्स डिले ही जरूरत था। सो जब हर एक काम में आपको अलाइनमेंट दिखने लग जाएगी, यू विल अंडरस्टैंड यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स। सारे काम अलाइनमेंट में हो रहे हैं, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो चलिए वील टेक जजमेंट तो होगा, मैंने बता दिया, और एक मैसेज निकालेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अपने करियर में अपने फाइनेंसेस पे आपको ध्यान देना है। यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर फाइनेंसेस, क्योंकि देखिए फैमिली, अगर आप लड़का है लड़की है, आजकल के दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का है तभी कमाना होता है, लड़की को नहीं होता है, सबको कमाना होता है। क्योंकि ये सूनापन जो आपको महसूस हो रहा है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं वो सूनापन दूर तभी हो जाएगा जब आप खुद को बिजी कर लोगे अपने वर्क में, अपने फाइनेंसेस में, एंड मन से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहो ना। सादगी की ज़रूरत नहीं, यू डू एक्ट एज इफ यू, अपने दिमाग में विजुअलाइज करते रहो, सोचते रहो कि मेरे पार्टनर मेरे साथ है, उस बिलीफ को क्रिएट करो कि वो मेरा ही है। अभी टाइम नहीं देने की ज़रूरत है ना, हर टाइम वो वैसा ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम शादी करेंगे, डायरेक्ट फैमिली बनाएंगे, वैसे सोच लो। सेव योर टाइम, इतना जो रिलेशनशिप का टाइम है वो करियर पे लगा दो, एंड डायरेक्ट उसी के साथ में शादी होगी। ऐसा आप दिमाग में स्ट्रॉन्ग विल्ड बन जाओ, एंड
बी वॉन्ड, वॉन्ड एनर्जी में आ जाओ, ऐसे ग्रोथ एनर्जी में आ जाओ, अपने आप को और स्टेबलाइज करो. पेंटिकल्स वाले पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दो, ठीक है. एंड लास्ट कार्ड फॉर टुडे, फिर हम थोड़ा मैसेज कार्ड्स भी देखेंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ. मैंने बोला ना, आप पेंटिकल्स पे ध्यान दो, ग्रोथ पे ध्यान दो, एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में बन ही जाएगी, ठीक है. इट्स अ वेरी गुड साइन. एंड मुझे ये यस कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा था. यस, योर लाइफ इज गोइंग टू ब्लूम इन लव, रिलेशनशिप, करियर, स्टेबिलिटी, हर तरीके से, ठीक है. एंड आई जस्ट टेक रैंडमली वन कार्ड, एक कार्ड ले लेती हूँ. आई एम योर ट्विन सोल, बिलीव मी, ठीक है. आई लव यू. आपके जो सोल है वो शायद अभी भटक गए हो, अभी किसी और के पास चले गए हो, कुछ भी रीजन हो, बट वो आपके लिए बने हैं एंड वो आपके तरफ आ रहे हैं. Claim this reading now. Thank you so much. And Instagram पे मेरा एक पेज है, कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि. आप लोग उसी में जाके भी उसको फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे DM भी कर सकते हैं. Thank you so much. Take care. Bye bye.